Hi guys, please like, share and subscribe the channel. Let's continue to watch the video. तो अब तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट और मॉन्यूमेंट देखने के बाद तीन एक ही रो में हैं, उनको देखने जाया जा रहा है। उससे पहले ये 100 रुपये का पानी लिया गया है, कांच का बोतल है, 20 रुपये का चॉकलेट लिया गया है और एक चौको पाय लिया गया है, चौको पाय। तीन और वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट। एक महत्वपूर्ण बात बताना तो भूल ही गए, बीच में रोड है, रोड के उस तरफ हुमायूं टॉम्ब है, इस तरफ नर्सरी है। एक्चुअली ये एक ही परिसर में आया करता था 16वीं शताब्दी में, बीच में दीवार बना गई है। तो आपको सुंदर नर्सरी आने के लिए अलग टिकट लेना पड़ेगा और वो घूमना है, क्या बोलते हैं, हुमायूं टॉम्ब, तो अलग से लेना पड़ेगा टिकट। ये भी देखिए, सारी स्थापत्य कला आपको मिलती जुलती दिखेंगी, जितने भी मुगल जितने भी स्थापत्य कला हैं उनके जितने भी इमारतें हैं सब एक ही कलर, लाल और सफ़ेद या क्रीमी कलर के ही हैं। बट सब इमारतों की विशालता और मतलब वो अलग अलग हैं। कोई अष्टकोणीय बना है, कोई चतुर्भुज तरह का बना हुआ है। इसके साथ आ गए, हाँ, जैसा मैं ये बोल रहा था जो लिखा हुआ है, ये बादशाह अकबर के दामाद का ये मकबरा है और बगीचा एक दुर्लभ ढांचा है जिसके मध्य में स्थित कब्रगाह को घेरे हुए 8 कमरे बने हुए हैं। इसमें 8 कमरे बने हुए हैं और आज मैं अकेले ही दिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई है नहीं, तो डर लगेगा आज। बस यही है, ये 1600 पे बना था और इसके जो ऊपरी वाले हैं वो नीले कलर से, मतलब नीले संगमरमर बोलो या पत्थरों से सुजज्जित है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। उरी बाबा, ओके, 8 कमरे। ये घुसते ही एक तहखाना नुमा है, तहखाना नहीं है, एक तल्ला और भी नीचे है, बट कैसे जाया जाता ये नहीं पता। तो एक्चुअली मकबरा उनका कब्र यहाँ पे अंदर है और चारों तरफ ये 8 कमरे बने हुए हैं इसमें। और अगेन जस्ट लुक इट गाइस, मतलब इस कहाँ गया जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए सुंदर, देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, चित्रकारी अरबी भाषा में लिखा हुआ, आयते पढ़ तो सकता नहीं बट हाँ होंगे वही, जस्ट लुक इट, जस्ट कीप लुकिंग इट, ब्यूटी ऑफ इसके अंदर की सजावट की। कैमरा इधर रखना, ये देखिए लाजवाब लग रहा ना, सुंदर लग रहा ना। तो अभी हम चौथे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मॉन्यूमेंट को देख चुके हैं, मिर्जा मुजफ्फर जी का ये मकबरा है, अकबर के दामाद थे और अंदर से और बाहर से ये काफी सुंदर है। ये भी इसके खासकर अभी तक मैं इतना मॉन्यूमेंट देखा, अंदर की जो चित्रकारी की गई है पूरे अंदर का जितने भी में है, ये मुझे काफी शानदार इसकी कलाकृति और सजावट और जिस हिसाब से इसके छतों पे चीजें सजाई गई है, फूल नुमा और कितनी बारीक, कितनी बारीक काम किया गया है, लाजवाब। तो ये मुझे काफी सुंदर लगा, काफी नहीं मतलब सबसे ज्यादा सुंदर लगा अभी तक जो चारों मैंने घूमा है। और ये पहला तल्ला है, दूसरे तल्ले पे जाने के लिए कहां से बनाया गया है इवन आई डोंट नो। ये देखिए, ओहो उधर से है, वो बंद है, और ये देखिए दूसरा तल्ला है और इसमें मतलब जाना अलाउड नहीं है और इसी में ही शायद इनकी कब्र है। लाजवाब, सुंदर लाजवाब।
माइंड इट। चलिए यहां से निकला जाए। अब दूसरे मॉन्यूमेंट पे चला जाए। वाह, काफी सुंदर है ये, मतलब इसकी सजावट जो अंदर से है काफी लाजवाब है। मेरे को सबसे बेहतरीन सुंदरता इसी की लगी अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये मिर्जा मुजफ्फर जी के मकबरे के बगल में ही छोटा बतासे वाला महल है। अब तो हमको लग रहा महल बचा नहीं है, खंडहर बचा है। मगर हाँ, 2007-08 में स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब थी, कम से कम थोड़ा रेनोवेट कर दिया गया है इसे। सेकेंड हाफ ऑफ 20th century में ये थोड़ा कोलैप्स कर गया है। तो थोड़ा चौकोपाई का मज़ा लिया जा रहा है। तो हम जिसके सामने हैं, ये पांचवां नर्सरी, सुंदर नर्सरी में स्थित ऐतिहासिक इमारत है। छोटे वाले बतासा वाला महल, पता नहीं महल तो अब जो भी है ठीक है, ऐतिहासिक है, ये भी संरक्षित है। गुंबद आकार का ही बना है, तो ये अब इसके वो ही बचे हैं, क्या बोलते हैं, इधर वाले काफी टूट गए हैं, बट एक तरफ का भाग इसका बचा हुआ है। मगर जितने भी मकबरे बनाए जाते हैं मुगल कालीन वाले में, एक चबूतरा होता है, चबूतरे पे चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब क्या बोलते हैं हिमायू टॉम्ब, या चाहे जितने भी जगह गए हैं, एक चबूतरा, चबूतरा बेस होता था, बेस पे फिर वो गुंबद जहां मकबरा बनता था वो बनता था। वो देखिए, वो मिर्जा मुकीम वाला भी उसी तरह से बना था। तो ये पांचवा ऐतिहासिक जगह कवर कर लिया गया। वैसे यहाँ ये करने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि पता था यहाँ पे कोई डर नहीं है, क्योंकि ये खुले आसमान के बीच में है। ठीक है गाइस, अब छठा और आखिरी ऐतिहासिक धरोहर के पास चलते हैं, इमारत के पास। एक दो पिक ले लेते हैं कैप्शन के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। अंदर इसके एक तहखाना भी है टाइप में, मतलब इसके अंदर भी है छोटे वाला बतासा मकबरा। अब हम अपने ऐतिहासिक सफर इस नर्सरी में अंत के कगार पे हैं, क्योंकि ये छठा जो आखिरी मॉन्यूमेंट है वो है